हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री के बयान पर भी तीखी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कहते हैं कि सुरेश चंदेल के जाने से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये समझ ले कि सुरेश चंदेल भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनके कांग्रेस में आने से अब कांग्रेस को काफी फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, सुरेश चंदेल कांग्रेस में आए हैं, किन किन परिस्थितियों में कांग्रेस में आने को मजबूर है। भारतवर्ष के जो पुराने बीजेपी के नेता हैं मुरली मनोहर जोशी, उन्होंने जो आडवाणी को पत्र लिखा है उसे जयराम ठाकुर पढ़ लें और उसके बाद फिर बयानबाजी करें। जी मैं कहूँगा कि ये बकवास है। मुख्यमंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि सुरेश चंदेल अगर कांग्रेस पार्टी में आ गया तो उनको उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सुरेश चंदेल 3 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं और सुरेश चंदेल जी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। आज वो किन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी में आए हैं ये मैं कहूँगा कि भारतवर्ष के जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता है मुरली मनोहर जोशी, जो इन्होंने आडवाणी को पत्र लिखा है उस पत्र को कृपया करके जयराम जी पढ़ लें और उसके बाद जो है वो बयानबाजी करें।